हेलो बच्चों, आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर गैसेस स्टेट का फिफ्थ वीडियो लेके आए हैं, जो कि है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमको ये बताएगा कि किसी गैस की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाले, आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, और हमको ये एक स्पेशल काइनेटिक गैस इक्वेशन भी देके जाएगा। कहीं ना कहीं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हम एक आइडियल गैस के अंदर की कई प्रॉपर्टीज बता के जाएगा कि गैस की वेलोसिटी कैसी होती है, गैस की वेलोसिटी किन चीजों पे डिपेंड करती है, गैस की काइनेटिक एनर्जी कैसे डिटरमाइन करें, गैस की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही होती है, बहुत सी बातें बताएगा। बट ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस था, ये सिर्फ आइडियल गैसेस पे वैलिड था, यानी जो रियल गैसेस हैं, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, उस पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ थ्योरीज तो वैलिड है, बट कुछ थ्योरीज वैलिड नहीं भी हैं। तो आज का जो टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इट इज 100% वैलिड ऑन आइडियल गैसेस। आ सकता है सवाल कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किस पे 100% वैलिड है? आइडियल गैसेस पे। पार्शली वैलिड है रियल गैसेस पे। तो हमेशा डेप्थ से चलेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स मतलब इन्होंने क्या क्या एजम्पशन या क्या क्या पॉइंट इन्होंने दिए, पोस्टुलेट्स है ना, इनके पॉइंट्स क्या क्या है, इनके एजम्पशंस क्या क्या है, क्या क्या अज्यूम किया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम अलख पांडे और चैनल है हम सबका फिजिक्स वाला, और आज का टॉपिक के टी जी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं इसके पॉस्टुलेट से, यानी क्या क्या एजम्पशन इन्होंने माना। तो थोड़ा सा इसमें आपको पेन और पेपर लेके बैठना पड़ेगा एजम्पशन के लिए। तो एजम्पशन नंबर वन इन्होंने जो माना, बहुत से एजम्पशन है, 12-15 हो जाएंगे, मैं बहुत ही इसमें से इंपॉर्टेंट एजम्पशंस बताऊंगा, ऐसे तो 15-20 एजम्पशन है, लिखते चलो खत्म नहीं होगा। चलो देखते हैं कितने बता सकते हैं जो हमको इंपॉर्टेंट लगेंगे। पहला एजम्पशन ये है कि गैस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल। कोई भी गैस किससे बना होता है, एटम से या मॉलिक्यूल से, तो ये बात तो हमको पता ही थी। दूसरी बात जो इन्होंने बताया कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। किसी सेम गैस के अगर मॉलिक्यूल हैं तो वो हर तरह से आइडेंटिकल होंगे। इन ऑल रिस्पेक्ट्स मींस उनके मास में, ठीक है उनके शेप में, ठीक है उनके साइज में, ठीक है मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। चलिए ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। पहली चीज, मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल्स नियरली सेम शेप साइज और मास के होते हैं। तीसरा पॉइंट समझते हैं इसी का, मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइंस। इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अलोंग स्ट्रेट लाइंस। गैस के मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे तो होते नहीं, हमेशा zigzag रैंडम मोशन करते रहते हैं, आपने पढ़ा है। ये जो रैंडम मोशन होता है, इसको इन्होंने माना है स्ट्रेट लाइन में, कि एक्स में हो रहा है, वाई में हो रहा है, जेड में हो रहा है, तीनों डायरेक्शन में हो रहा है, बट इन स्ट्रेट लाइन, अजम्पशन है। ध्यान से सुनना, मान लो कोई गैस का मॉलिक्यूल है, वो ऐसे मूव कर रहा विथ स्पीड यू, तो इसकी स्पीड के तीन कॉम्पोनेंट होंगे, एक एक्स में, एक वाई में और एक जेड में, यू एक्स, यू वाई और यू जेड। तो हम बोलेंगे जो इसकी स्पीड यू है, दैट इज इक्वल्स टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस यू जेड के कैप। बोल सकते हैं, वेक्टर पढ़ रखा है, किसी भी चीज की स्पीड है एक्स वाई और जेड को वेक्टर फॉर्म में ऐड करके आएगी। अब इन्होंने एक एजम्पशन क्या माना कि अगर कोई गैस है, तो गैस का मॉलिक्यूल है, तो उसकी जितनी प्रोबेबिलिटी है एक्स डायरेक्शन में जाने की, उतनी ही प्रोबेबिलिटी है वाई में, उतनी ही प्रोबेबिलिटी है जेड में। जैसे मैं आपसे कहूं ये एक मॉलिक्यूल है, ये अगले सेकेंड किस तरफ मूव करेगा, एक्स में, वाई में कि जेड में,
है ना, तो आप बोलोगे हर तरफ प्रोबेबिलिटी क्या है, बराबर है। तो इस वजह से इन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी ux है दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू uy व्हिच इज आल्सो इक्वल टू uz, मतलब तीनों डायरेक्शन में उसके मूव करने की जो स्पीड की प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, हमेशा सेम नहीं होगी तीनों डायरेक्शन में स्पीड, कभी अलग होगी कभी सेम होगी, बट एवरेज प्रोबेबिलिटी वाइज देखें तो करीब करीब सेम मान ली गई। अच्छा, इन पॉइंट्स को याद रखना जरूरी है, इसको और इसको बहुत जरूरी है, नोट कर लें। अगर मैं यहां से यू की वैल्यू पूछूं, मैग्नीट्यूड ऑफ यू, तो याद है मैग्नीट्यूड ऑफ यू हमने निकाला होगा वेक्टर में, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर प्लस जेड वाले का स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं ना, अंडर रूट करके सबका स्क्वायर कर दो। मतलब यहां से अगर हम बोले u का स्क्वायर तो इट विल बी इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर, बोल सकते हैं। ये गैस की मॉलिक्यूल की नेट स्पीड कैसे आएगी, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई, ऐसे निकालते थे ना हम वेक्टर में, अंडर रूट करके एक्स वाई जेड का स्क्वायर करके ऐड करते थे। याद रखना है, सब आगे यूज करेंगे अपन, ठीक है, अभी याद रखो सब धीमे धीमे। अच्छा देखो जरा, यू एक्स यू वाई यू जेड बराबर है, मतलब ये तीनों क्वांटिटी बराबर है, सो कैन वी राइट इट लाइक दिस, थ्री टाइम्स ऑफ यू एक्स स्क्वायर, यस और नो, यू स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ यू एक्स स्क्वायर, तो नोट कर ले यहां तक की बातें सारी, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो अभी मैंने आपको बेसिकली दो तीन एजम्पशन ही बताया, पहला बताया कि गैस जो है वो मॉलिक्यूल्स या एटम से बनी है जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, ये तो आपको पता ही है। दूसरा पॉइंट आया कि मॉलिक्यूल्स हर रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल होते हैं अगर सेम गैस के हैं, डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे। तीसरा आया मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में होते हैं, स्ट्रेट लाइंस में। फिर उसके अंदर मैंने एलेबरेट किया पॉइंट को, मैंने बोला अगर गैस का मॉलिक्यूल यू स्पीड से जा रहा है तो यू एक्स यू वाई यू जेड से जाएगा अलग अलग डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में जाने की स्पीड की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। फिर मैंने बोला यू का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका यू का स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर स्क्वायर, क्योंकि तीनों बराबर हैं तो मैंने लिख दिया थ्री टाइम्स ऑफ यू एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, याद रखेंगे ये बात, यू स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री टाइम ऑफ यू एक्स स्क्वायर, मैं यहां लिख लेता हूं इसको कहीं पे साइड में, यू स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ यू एक्स का स्क्वायर यूज करेंगे आगे हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अजम्पशन पे। अब आपको यह पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब मोशन करेंगे बच्चों तो वो टकराएंगे आपस में, और जिस कंटेनर में रखे हैं उसकी वॉल से, सो ऑल द कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अमंग देमसेल्स एंड विथ वॉल ऑफ कंटेनर इज इलास्टिक इन नेचर। अब इसमें आप जाके अपने फिजिक्स के टीचर को कोर्स देना, जो कि मैं ही हूं, मुझे कोर्स देना, कोसना समझते हो कि नहीं, कि उसने आपको अभी तक इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन नहीं बताया, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास के बाद बताना चाहता है, ठीक है। तो दो तरह के कोलिजन होते हैं बेसिकली, इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो कौन सा कोलिजन करते हैं, इलास्टिक। मतलब क्या है इलास्टिक का, मतलब ये है बच्चों कि जो मोमेंटम होगा और जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, दोनों में देयर विल बी नो लॉस। और फिजिक्स का टीचर होगा तो बहुत प्यार से बताएगा कि काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कॉन्स्टेंट, विल रिमेन सेम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, एंड मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड, मीनिंग अलग अलग है। पर अभी केमिस्ट्री का टीचर है तो प्यार से आपको समझा देगा कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है वो किसी मोमेंटम से चल रहा है, तो लड़ने के बाद उसका मोमेंटम चेंज तो होगा पर मोमेंटम में कोई लॉस नहीं होगा, देयर बी नो लॉस इन मोमेंटम, देयर बी नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। जिस स्पीड से चल रहा था लड़ने के बाद भी उसी स्पीड से चलेगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई रिडक्शन नहीं होगा, लड़ने के बाद स्पीड कम नहीं होगी, उसी स्पीड में चलेगा। ऐसा अजम्पशन है कि ऑल कोलिजंस कैसे हैं, इलास्टिक। फोर्थ पॉइंट द प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ वॉल ऑफ
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करेंगे इसको, नोट डालेंगे इसको कॉपी में, कि गैस का जो प्रेशर हम मेजर नहीं करते, जो हम गैस का प्रेशर पी लिखते हैं वो है क्या? काइनेटिक थ्योरी ये बोलती है कि मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स किसी बॉक्स में बंद हैं, कंटेनर में बंद हैं, तो मॉलिक्यूल्स जूम 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 करते हुए जब वॉल पे हिट करते हैं, हिट किया पलट गए, मारा पलट गए, मारा और पलट गए से क्या हुआ, उनका मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, जब गए तो ऐसे जा रहे थे एमवी से, लौटे तो ऐसे लौटे माइनस एमवी से, मोमेंटम एम इंटू वी से गए, मार के वापस लौटे माइनस एमवी, मोमेंटम चेंज हो गया। अब चेंज इन मोमेंटम कब आता है, जब जहां पे फोर्स हो। अब मतलब यहां पे इसका मोमेंटम चेंज हुआ, इसका मतलब कुछ फोर्स की कहानी हुई होगी, और क्योंकि ये एक एरिया है तो फोर्स पर दिस यूनिट एरिया बिकम्स प्रेशर, यही हमको डिराइव करना है। अभी बहुत डिटेल में जाएंगे इसके, अभी मैंने ऊपर से समझाया कि ये जो मॉलिक्यूल ने हिट किया और मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हुआ है, इस चेंज इन मोमेंटम की वजह से फोर्स आई, और फोर्स पर यूनिट एरिया की वजह से क्या आता है, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, यानी प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में जाकर जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे प्रेशर ऑफ गैस उतना ज्यादा हमको ऑब्जर्व होगा। क्लियर है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत पॉइंट्स है, मतलब काइनेटिक थ्योरी एक बड़ी थ्योरी है, बहुत से अजम्पशन है इसके अंदर, मैं आपको बेसिकली जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अजम्पशन है वो बता रहा हूं। अभी दो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे हैं वो लास्ट में लाऊंगा। फिफ्थ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, अब जब भी मैं गैस बोलूं तो आइडियल गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस 100% किसके लिए ट्रू है, 100% ट्रू है किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, और पार्शियली ट्रू है रियल गैस के लिए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि आपने देखा इस चैप्टर में हमेशा टेम्परेचर केल्विन में ले रहे। तो गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, गैस की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। नोट करेंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। मान लो मैं 27 डिग्री सेल्सियस पे एक मोल ऑक्सीजन लूं और 27 डिग्री सेल्सियस पे एक मोल हाइड्रोजन लूं, और मान लो दोनों आइडियल हैं, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम। क्लियर, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर। सिक्स्थ पॉइंट, नाउ कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल when compared to volume of gas। समझो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नहीं समझोगे तो रियल गैस नहीं समझ में आएगा। नोट करो और समझो क्या बोल रहा। जैसे मान लो इस रूम में मैं गैस के मॉलिक्यूल्स को छोड़ दूं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स सारे कोने में चले जाएंगे, सारी जगह चले जाएंगे, पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। अच्छा, अगर मैं सारे मॉलिक्यूल्स को पकड़ूं और पकड़ के एकदम दबा के एक कोने में रख दूं, तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम। समझो, जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, इसमें मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स छोड़ दिए, तो गैस के मॉलिक्यूल्स हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस बोल सकते हो उसको, कि पूरे फैल गया। इन्हीं मॉलिक्यूल्स को लेके मैं साइड में एक कोपचे में दबा के रख दूं बस,
ठीक है, एक्सपैंड ना करने दो, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इस पूरे को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या क्लियर है? डिफरेंस क्लियर होना जरूरी है दिमाग में, वरना फिर मजा नहीं आएगा। गैस के मॉलिक्यूल्स जब किसी कंटेनर में डालो तो फैल जाते हैं हर तरफ, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। उन्हीं मॉलिक्यूल्स को पकड़ के कहीं एक कुप्चे में रख दो, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो थ्योरी हमसे क्या कहती है? थ्योरी कहती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स भैया बहुत छोटे हैं, वेरी स्मॉल, इतने छोटे हैं कि उनका वॉल्यूम नेग्लेजिबल है व्हेन कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ गैस, जो कि बात गलत है। कुछ तो होगा वॉल्यूम, बट एजम्पशन है, ये पोस्टुलेट है। क्या कहता है पोस्टुलेट? कि जो मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम है, जो मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम है, जो मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम है, दैट इज जीरो। वो कह रहा है मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम ही नहीं है। मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना है? जीरो है, कोई वॉल्यूम नहीं मॉलिक्यूल का। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बट अजम्पशन है। जब गैस के वॉल्यूम से हम कंपेयर करते हैं, गैस तो पूरे रूम में भी कर सकती है, और उनके मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं कि अगर उनको मैं पकड़ के एक जगह रखूं तो दैट वॉल्यूम इज नेग्लेजिबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ दीज पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काइनेटिक थ्योरी कहती है कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करती है। दूसरा पॉइंट ये कहती है कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस के मॉलिक्यूल है, इतने छोटे हैं गैस के मॉलिक्यूल भैया, इतने छोटे हैं गैस के मॉलिक्यूल कि उनका वॉल्यूम जीरो है। और नेक्स्ट पॉइंट बच्चों जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये है, देयर इज नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स, विच इज अगेन रॉन्ग आई नो, बट दिस इज एन अजम्पशन एंड अगेन इंपॉर्टेंट। अब ये थ्योरी क्या बोलती है? जो बचपन से अभी तक पढ़ते आए उसको दिमाग से इरेज कर दो आज। बचपन से अपन क्या पढ़ते आए हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट ये थ्योरी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। ये थ्योरी कहती है गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ही नहीं। गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही नहीं है, है ना? इतनी वीक है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 6 और 7 आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही डिफरेंस है रियल गैस और आइडियल गैस का। जितने पॉइंट मैंने बताए सब पूरी तरह से एप्लीकेबल थे आइडियल गैस पे भी और रियल गैस पे भी, सिर्फ पॉइंट 6 और 7 को छोड़ के। 6 और 7 आइडियल गैस पे वैलिड है, रियल गैस पे वैलिड नहीं। रियलिटी में सोचो ऐसा कैसे हो सकता है, फोर्स तो होगी ना। सो रियल गैस के लिए पॉइंट नंबर 6 पॉइंट नंबर 7 वैलिड नहीं है, बाकी सब वैलिड था। जितनी चीजें बताई बाकी सब वैलिड रहेगा। दो बातें वैलिड नहीं है, कौन कौन सी? एक तो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जीरो होता है, ऐसा इन्होंने माना, और दूसरा माना कि कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, इतनी वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैस इतना एक्सपैंड करना चाहती है, इतना एक्सपैंड करना चाहती है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। तो ये बातें ट्रू है आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए ऐसा ट्रू नहीं। लास्ट पॉइंट मैं बता दूं आपको, क्या? ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? गैस के मॉलिक्यूल ना इतने छोटे हैं, इतने हल्के हैं, इतने छोटे हैं, इतने हल्के हैं कि उनके ऊपर ग्रेविटी एक्ट नहीं करती, बहुत लाइट होते हैं पार्टिकल। तभी तो गैस के मॉलिक्यूल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। मान लो यहां से इस मार्कर को मैं फेंकूं तो ये मार्कर ऐसे जाके नीचे गिरने लगेगा, प्रोजेक्टाइल, पैराबोलिक पाथ। क्यों गिरेगा? क्योंकि ग्रेविटी ने इसको नीचे खींच लिया। पर गैस के मॉलिक्यूल्स इतने हल्के हैं ना कि वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ग्रेविटी उनको नीचे की तरफ पुल नहीं करती। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर सो लाइट, आर सो लाइट, इतना कम मास है दैट ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी गैस के मॉलिक्यूल्स पे एक्ट नहीं करती। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के। अब हम काइनेटिक गैस इक्वेशन की तरफ आने वाले हैं। आपने सारे पॉइंट्स मेरे ख्याल से अच्छे से देखे होंगे, नोट किए होंगे, शायद मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो,
मैं एक बार सोच लेता हूँ, इलास्टिक कोलिजन मैंने बता दिया, काइनेटिक एनर्जी बता दिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए कि गैस का मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जीरो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, ग्रेविटी नेगलेक्ट होती है, प्रेशर कोलिजन्स की वजह से होता है, मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, स्पीड की कहानियां समझा दी, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये कुछ अजम्पशन थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के। अब हम बढ़ते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन की तरफ। काइनेटिक गैस इक्वेशन, तो अगली हेडिंग लगा ले, काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का ही पार्ट है वो भी। क्या काइनेटिक गैस इक्वेशन, क्या है काइनेटिक गैस ऑफ इक्वेशन, आइए डाले, PV इज इक्वल्स टू 1/3 एम एन यू आर एम एस स्क्वायर। नोट करें, PV इज इक्वल्स टू 1/3 एम एन यू आर एम एस का स्क्वायर, वेयर P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, डेफिनेट था ये तो, M स्टैंड्स फॉर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड व्हाट इज दिस यू आर एम एस का स्क्वायर। बच्चों इसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जरा समझा देता हूं, मान लीजिए गैस के मेरे पास अनंत मॉलिक्यूल्स हैं, अनंत मॉलिक्यूल्स हैं, किसी की स्पीड है u1, किसी की स्पीड u2, किसी स्पीड u3, किसी की स्पीड un, सबकी स्पीड अलग अलग। हमने एक क्वांटिटी डिफाइन की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये क्या होता है, u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश 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 un, सबका किया स्क्वायर, डिवाइड किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n से और ले लिया अंडर रूट। इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं यू आर एम एस। नोट करेंगे व्हाट इज यू आर एम एस, व्हाट इज यू आर एम एस, व्हाट इज यू आर एम एस, नोट करेंगे, नोट करेंगे, रूट ऑफ मीन ऑफ, मीन मतलब क्या होता है एवरेज, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी गैस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को स्क्वायर करो, फिर उनका मीन निकालो। मीन कैसे निकलता है, जितने भी आइटम्स हो उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो एन से। तो पहले स्क्वायर करो वेलोसिटी का, उनका मीन निकालो और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दिस इक्वेशन। P stands for pressure, V stands for volume, कितने molecules की बात हो रही है, N, M क्या है, mass of one molecule, this is called kinetic gas equation। URMS की फील समझ में आई, जैसे मेरे पास बहुत ढेर सारे molecules हैं गैस के, तो सभी molecules को लिया, सभी की speed का square किया, उनका एवरेज निकाला, उनका रूट निकाला, उसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो नोट करें इसको और नोट करें इसको, फिर हम चलते हैं इस इक्वेशन की डेरिवेशन की तरफ कि ये इक्वेशन हमारे पास आई भैया कहां से, कहां से आई ये इक्वेशन। बीच में आपको सोच रहा हूं एक चीज और बता दूं यहां साइड में, कुछ नहीं प्यार से नोट कर ले बच्चा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ N moles of gas is equals to N into 3/2 RT। चलो ये भी नोट कर लो, कर कितना नोट करा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ N moles of gas is equals to N into 3/2 RT। ऐसे मजा आता है ना, पहले से फॉर्मूला जान लो फिर डेप्थ में चलते हैं, थोड़ा एक ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन हो जाता है ना कि इस मूवी में कौन हीरो कौन हीरोइन फिर अंदर कहानी, ट्रेलर देख लिया मूवी का, मूवी देखी क्या इधर बीच तुमने, कोई मैंने कोई नहीं देखी। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स,
आर अपना वही पुराना गैस कॉन्स्टेंट, टी अपना एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये तीन को नोट करें, इसके बाद अपन इस इक्वेशन की करेंगे डेरिवेशन। देखते हैं कि ये तीनों इक्वेशन किस तरह से डिराइव हुई, बेसिकली दोनों इक्वेशन किस तरह से डिराइव हुई और कहां से आई, आइए चेक करते हैं इसको। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं गैस का एक छोटा सा कंटेनर यहां पे अज्यूम करूंगा मेरे पास रखा है, ये मेरे पास एक गैस का छोटा सा कंटेनर रखा है, ठीक है, ये रहा प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा कंटेनर, ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन, ठीक है। मान लेते हैं ये जो क्यूब हमने लिया है, कंटेनर लिया है, मान लेते हैं इसका साइड का लेंथ है एल, और मान लेते हैं इसके अंदर मेरे पास एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, मैंने मान लिया एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बेसिकली हम इस वॉल को कंसिडर करेंगे और हम देखेंगे ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल एक छोटा सा मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसका मास हमने मान लिया m है, ये मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा इस वॉल पे, समझो बात को। हम एक मॉलिक्यूल की स्टडी करने जा रहे हैं कि वो एक वॉल पर जाकर कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा। देखो फिर से इस डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं क्योंकि फॉर्मूला आपको आता है, पर मान लो अभी मैं थोड़ी देर बाद कराऊंगा, जैसे ये टॉपिक खत्म होगा एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें पूरी वैल्यूज रहेंगी और ये डेरिवेशन का यूज होगा, मतलब इसके अंदर जाके हमें फिर से डिराइव करना होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना। फिर से तो ये मॉलिक्यूल है, अच्छा इस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है, लेट दैट वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल भी यू, इस वेलोसिटी के तीन कॉम्पोनेंट होंगे फिर से, है ना, एक यू एक्स, एक यू वाई, एक यू जेड। राइट नाउ हम सिर्फ कंसिडर करेंगे यू एक्स वाली स्पीड को, हम सिर्फ इसका ये वाला मोशन कंसिडर करने जा रहे हैं कि ये आगे गया, पीछे आया, फिर आगे गया और इस दीवार पे हिट किया, हम सिर्फ इस मोशन कंसिडर करेंगे, ठीक है, सिर्फ इसके एक्स डायरेक्शन के मोशन को कंसिडर करेंगे, फिर अपने आप हम उसको नॉर्मलाइज करके तीनों डायरेक्शन में ले आएंगे एक डायरेक्शन को देखकर। तो हमें देखना है इस वॉल पर जाकर यह कितनी फोर्स लगा रहा। अच्छा चलिए देखते हैं, मान लो ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, मास m है और इस डायरेक्शन में चल रहा विथ वेलोसिटी ux1 बोल देते हैं, क्यों ux1 क्यों बोली सर आपने, इसको u1 मानो पहले, ux1, uz1, uy1, ये क्या हुआ, कंटेनर के अंदर भैया n मॉलिक्यूल्स हैं, तो किसी की स्पीड u1 है, किसी की u2 है, किसी की u3 है, किसी की u4 है, किसी की un है, इसके अंदर बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, किसी की स्पीड u1 है, किसी की u2 है, किसी की u3 है, इसमें से एक मॉलिक्यूल मैंने उठाया जिसकी स्पीड u1 थी, x डायरेक्शन में ux1, y डायरेक्शन में uy1, z डायरेक्शन में uz1 एंड सो ऑन। यहां पे रही मेरे पास वॉल, ये है वॉल, ठीक है, तो अभी ये जाएगा इस वॉल पर हिट करेगा और हिट करके वापस आ जाएगा, वापस जाते वक्त इसकी वेलोसिटी ux1 ही रहेगी, मास m, क्योंकि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन में लड़ने के बाद काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता, तो इसकी जो स्टार्टिंग की स्पीड थी वही बात की स्पीड रहेगी, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम, मतलब ये कोलाइड तो करेगा पर कोलाइड करने के बाद इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, सेम स्पीड से वापस आएगा। क्या चीज चेंज हुआ इसका बच्चों, मोमेंटम, अगर मैं बात करूं तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ, इनिशियल मोमेंटम हुआ एम यू एक्स वन, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया बच्चों, फाइनल हो गया माइनस एम यू एक्स वन, क्योंकि ये पीछे जा रहा। तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा टू एम यू एक्स वन, हाँ या ना, जाते वक्त प्लस एम यू एक्स वन, लौटते वक्त माइनस एम यू एक्स वन, तो चेंज कितना हुआ ये, है ना, इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, जो भी कर लो, वैल्यू वाइज कितना चेंज हुआ, वैल्यू वाइज इसमें से माइनस कर लो टू एम यू एक्स वन। अच्छा इसके मोमेंटम में चेंज हुआ, चेंज इन मोमेंटम का मतलब फोर्स आई होगी, है ना, ये मोमेंटम का चेंज कितनी देर में हुआ कैसे पता लगेगा, डिस्टेंस कितना है एल, तो यहां पे लड़ेगा, इधर आएगा, इधर आएगा, है ना, मतलब टाइम टेकन फॉर ईच कोलिजन
ये एक कोलिजन हुआ, अब इस कोलिजन में कितना टाइम लगा, कहने का मतलब अगला कोलिजन कितनी देर बाद होगा, अगला कोलिजन जितनी देर बाद होगा वो टाइम होगा एक कोलिजन का। जैसे एक कोलिजन हुआ, अब इसके बाद अगला कोलिजन होगा, तो ये जो टाइम लगा ये कितने कोलिजन का है, एक कोलिजन का। यहां पे जाके मारा, फिर वापस आया, फिर इस दीवार से लड़ा, फिर वापस आके फिर मारा, तो ये जो टाइम है कितने कोलिजन का है, एक कोलिजन का। इस फॉल पे टाइम टेकन फॉर ईच कोलिजन या वन कोलिजन, तो भाई साहब ये इस पे मारेगा वापस कितना डिस्टेंस जाएगा, एल, लौट का कितना डिस्टेंस आएगा, एल, तो 2L डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। किस स्पीड से चल रहा, UX1 से, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो सही है, इतने टाइम में वो एक कोलिजन करता है, या ये कह सकते हो इतने टाइम बाद अगला कोलिजन होगा, मतलब इतने टाइम में कितना कोलिजन हुआ, एक ही तो हुआ है ना। यहां से लड़ा वापस गया एल, फिर लौट के आया एल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2L, कितनी स्पीड से, UX1, तो टाइम लगा 2L अपॉन UX1। एंड दिस इज द चेंज इन मोमेंटम इन वन कोलिजन, चेंज इन मोमेंटम इन ईच कोलिजन, एक कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम इतना हुआ, एंड टाइम टेकन फॉर ईच कोलिजन इज 2L अपॉन UX1। अगर हम पूछूं कि क्या फोर्स ये एग्जर्ट कर रहा है, फोर्स एग्जर्टेड ऑन वॉल, तो भैया फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है, 2, ये तो न्यूटन सेकंड लॉ, 2mux1 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, 2L अपॉन UX1, यहां से 2 से 2 मर जाएगा, UX1 ऊपर गया, m by L UX1 का होल स्क्वायर, दैट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल बाय वन मॉलिक्यूल ड्यू टू वन कोलिजन। यस, फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की वजह से इतनी फोर्स लग रही है। क्लियर, अच्छा यहां तक बातें साफ हो गई, अच्छा बहुत बढ़िया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे UX1 की जगह U1 के टर्म्स में इक्वेशन लिखना है। मैं नहीं चाहता UX1 के टर्म्स में इक्वेशन लिखूं, मैं चाहता हूं U1 के टर्म्स में लिखूं, गैस की एक्चुअल स्पीड के टर्म्स में, उसके कंपोनेंट के टर्म्स में नहीं। तो याद हो, अगर आपको याद है एक दिन तुमने पढ़ा था, यू इज इक्वल्स टू UXi प्लस UYj प्लस UZk। मैंने अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले आपको, मैंने बताया था UX, UY, UZ बराबर भी है। फिर मैंने बोला था कि अगर U का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और क्योंकि तीनों बराबर है तो मैंने लिखा था 3 times ऑफ UX स्क्वायर, याद आया इतना। मैंने कहा था UX, UY, UZ क्या है, करीब करीब सेम है, प्रोबेबिलिटी इनकी स्पीड की सेम होगी। फिर मैंने बोला था U का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और क्योंकि तीनों सेम है तो मैं लिख सकता हूं 3 times ऑफ UX स्क्वायर। यहां से देखो UX1 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, m by l, क्या लिख सकता हूं UX1 स्क्वायर को मैं, 1/3 U1 स्क्वायर। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं, ये कहानी समझ में आ रही है, गैस की स्पीड अगर U होगी तो UXi, UYj, UZ के, फिर मॉड निकालोगे तो अंडर रूट इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, वेक्टर में पढ़ा है ना ये, तो तीनों बराबर मैंने बोला था तो 3 times ऑफ UX स्क्वायर, यहां से UX स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। तो ये मुझे मिल गई बच्चों फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की वजह से कितनी फोर्स है, 1/3 ml U1 स्क्वायर, एक मॉलिक्यूल की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिस इज द फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, फोर्स ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स, अब n मॉलिक्यूल्स की वजह से फोर्स निकाली जाए, क्योंकि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हमने माने हैं, n माने हैं, कितना हो जाएगा, पहले मॉलिक्यूल की फोर्स कितनी है, 1/3 m by l U1 स्क्वायर, दूसरे कितनी हो जाएगी, 1/3 m by l U2 स्क्वायर, तीसरे की 1/3, समझ में आ रहा है, n की 1/3 m by छी l UN स्क्वायर, मतलब यहां से मैं बोल सकता हूं 1/3 m by l कॉमन
u1 square plus u2 square dash 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 un square, that is the force due to n molecules. Total force nikal aayi is wall pe, net force due to all molecules. Ye term pehchan mein aa raha hai, thodi der pehle aaya tha ye. Agar main isko n se divide karke n se multiply kar dun to koi dikkat? Koi dikkat nahi. Number of molecules se divide kiya, number of molecules se multiply kiya. ये टर्म देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था. ये टर्म ध्यान से देखो, क्या हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था? स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का एवरेज निकाला है. यही तो यूआरएमएस था. यूआरएमएस पढ़ा था ना हमने भी थोड़ी देर पहले, पढ़ा था हमने. यूआरएमएस क्या था? u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर डैश 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 un स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का अंडर रूट. रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर का मीन लिया और रूट लिया. जरा ध्यान से देखो, ये टर्म सेम है कि नहीं? क्या मैं ये लिख सकता हूं, एफ नेट इज इक्वल्स टू 1/3 एम बाई एल, इस एन को भी ले आता हूं, एम एन, और इसको मैं लिख सकता हूं यू आर एम एस का स्क्वायर. यस, दिस टर्म इज सेम. क्या ये URMS के स्क्वायर के बराबर है? बिल्कुल है. ये मिल गई हमको नेट फोर्स ऑन वन वॉल ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूल्स. अगर अब मुझे प्रेशर चाहिए हो बच्चों, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. कोई दिक्कत नहीं, फोर्स मेरे पास है 1/3 एम एन यू आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल. इस वॉल का एरिया क्या होगा बच्चों? एल इंटू एल, यही होगा एरिया. एल स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, एल इंटू एल स्क्वायर बन गया एल क्यूब. सो वी कैन राइट 1/3 एम एन यू आर एम एस का स्क्वायर, आर एम एस का स्क्वायर अपॉन एल क्यूब. क्लियर है? अब बच्चों एल क्यूब क्या होता है? एल क्यूब इसका वॉल्यूम है. इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब. सो वी कैन राइट प्रेशर पी इज इक्वल्स टू 1/3 एम एन यू आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल क्यूब विल बिकम वॉल्यूम. फाइनली द इक्वेशन बिकम्स पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 एम एन यू आर एम एस स्क्वायर, जो कि हमें डिराइव करनी थी, जो कि हमने आपको बताई थी. अब आपको ईच टर्म का मीनिंग, डेप्थ सब समझ में आ गया है. पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, एम स्टैंड्स फॉर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और यू आर एम एस क्या है, ये आपको क्लियर हो गया होगा. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. गैस के हर मॉलिक्यूल की स्पीड ली, उसका स्क्वायर किया, उसका एवरेज निकाला, उसका रूट लिया, दैट इज यू आर एम एस, विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन काइनेटिक गैस इक्वेशन. अब क्लियर है? ये पैटर्न याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, पैटर्न याद रखना कैसे कैसे किया है, क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन एक क्लास में दूंगा आपको जो इस पैटर्न पे बेस्ड है, या तो होमवर्क में दे दूंगा या तो करा दूंगा आपको. क्लियर है यहां तक? पक्के से एकदम? बहुत बढ़िया. तो पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस का स्क्वायर. पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस का स्क्वायर. पी वी इज इक्वल टू 1/3 पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस का स्क्वायर. दिस इज काइनेटिक गैस इक्वेशन. अच्छा, थोड़ा सा इससे हट के हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की. अब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी अगर मुझसे कोई एक मॉलिक्यूल की बोले तो मैं बोलूंगा 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर. सही है? हाफ एम वी स्क्वायर. वी कितना है? यू वन का स्क्वायर. अच्छा, कोई मुझसे कहे एन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स, एन मॉलिक्यूल्स की निकालो, तो बच्चों एन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगी? हाफ एम यू वन स्क्वायर, हाफ एम यू टू स्क्वायर, डैश 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 हाफ एम यू एन स्क्वायर. बोलो सही? एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ
वन मॉलिक्यूल निकाल ली मैंने, हाफ एम यू वन स्क्वायर, एन मॉलिक्यूल्स की बोली तो जोड़ते गए जोड़ते गए. कैन आई राइट इट लाइक हाफ एम यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर डैश 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 यू एन स्क्वायर, लिख सकता हूं ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूं. क्या मैं इसको n से डिवाइड और n से मल्टीप्लाई कर लूं तो कुछ फायदा होगा? बिल्कुल होगा. ये बन जाएगा यू आर एम एस, हाफ एम यू आर एम एस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n. बोलो सही है, ये क्या है यू आर एम एस का स्क्वायर. मैं डिटेल में समझा रहा हूं, क्लियर होनी चाहिए बात. एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू हाफ, क्लियर है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल हाफ एम वी स्क्वायर. फिर हमसे कहा n मॉलिक्यूल्स की, तो पहले की हाफ एम यू वन स्क्वायर, दूसरे की हाफ एम यू टू स्क्वायर, सो ऑन. हाफ एम कॉमन लिया, फिर मैंने कहा n से डिवाइड n से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं. फिर मैंने कहा ये टर्म क्या है यू आर एम एस का स्क्वायर इनटू n. दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स, हाफ एम यू आर एम एस का स्क्वायर इनटू n. बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं. ठीक है, अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं बच्चों, इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करना चाहूं, अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन पीवी, काइनेटिक एनर्जी का टर्म है हाफ एम यू आर एम एस का स्क्वायर इनटू एन, और पीवी का टर्म है वन बाय थ्री एम एन यू आर एम एस का स्क्वायर. मेरे ख्याल से एम से एम मर जाएगा, एन से एन मर जाएगा, यू आर एम स्क्वायर से यू आर एम स्क्वायर मर जाएगा. मेरे पास आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू थ्री, ऊपर चला जाएगा थ्री बाई टू पीवी. बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू थ्री बाई टू पीवी. किसी कोई डाउट हो तो आराम से वीडियो फिर से देखो यार, वहां तक इक्वेशन डिराइव की मैंने. फिर मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल हाफ एम एक मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर, एन मॉलिक्यूल्स है तो एक की स्पीड, एक की काइनेटिक एनर्जी, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी, सबको जोड़ा, हाफ एम कॉमन लिया, ये टर्म आया, एन से डिवाइड एन से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये यू आर एम एस में चेंज हो सकता था, मैंने चेंज किया यू आर एम एस का स्क्वायर इन टू एन. फिर मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया के ई अपॉन पी वी, इसका टर्म लिखा हाफ, इसका टर्म लिखा हाँ, ये कैंसिल वगैरह हुआ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स थ्री बाई टू पी वी. What is more important over here is for one mole of gas, कौन सी gas? Of course, ideal gas. PV is equals to क्या होगा? RT. भैया PV is equals to nRT होता है. एक mole की बात की है, PV is equals to RT. Now this will become kinetic energy is equals to 3 by 2 RT. किसके लिए? For one mole of ideal gas, for one mole of ideal gas, kinetic energy is 3 by 2 RT, and it is very, very important to note कि ये nature of gas पे depend नहीं कर रही. मेरे पास एक mole helium हो, एक mole hydrogen हो, एक mole oxygen हो, और अगर उनका temperature same हो तो सबकी kinetic energy भी same होगी. यही तो पोस्टुलेट लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, नॉट अपॉन नेचर ऑफ गैस. दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, वन मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, थ्री बाय टू आर टी. इनमें से क्या नोट करना है सर जी मेरे को? आपको ये इक्वेशन अच्छे से याद होनी चाहिए, और आपको ये इक्वेशन अच्छे से याद होनी चाहिए. बाकी बीच की डेरिवेशंस याद रखते हो तो ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करेगा, अच्छी बात है, तुम अच्छे इंसान हो, है ना, जिंदगी में तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा. नहीं रखते हो कोई बात नहीं, आप इसको याद रखो. काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ आइडियल गैस इज थ्री बाई टू आर टी, इज थ्री बाई टू आर टी. कहां से? यहां तक समझ में आया होगा, ये ट्रू है ऑलवेज. फिर हमने वन मोल की कहानी ले ली, पीवी इज इक्वल्स टू आर टी, और ये 3 by 2 RT. So I am erasing the rest of stuff on the board. Okay. So आपको याद रखना है PV is equals to 1 by 3 MN URMS का square, where M is mass of one molecule, N is number of molecule. मतलब कितने बच्चे तो मैंने देखा है किताब से पढ़ते हैं, उनको यही नहीं पता N है क्या, U यू क्या है, समझ गए हो? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. दूसरी क्वेश्चन जो आपको याद रखनी है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन
मोल ऑफ गैस, कौन सी गैस, आइडियल गैस, कितनी है 3/2 RT, एनी आइडियल गैस, एनी, वेयर आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट. अब क्योंकि ये एनर्जी का टर्म है तो आर की वैल्यू यूज करो 8.314 जूल पर मोल केल्विन. ठीक है, क्योंकि यहां पे काइनेटिक एनर्जी, यहां 0.0821 वाली वैल्यू मत यूज करना. जब आपको बोले पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी वाली कहानी, तब आर को यूज करो 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन. ठीक है, पर जब आपसे एनर्जी के टर्म्स में आर आ जाए तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन, 8.31 मैं लिख दूं मुझे सुकून हो जाएगा, जूल पर मोल केल्विन. टी हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. इसी इक्वेशन को मैं आगे बढ़ाऊं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल ऑफ आइडियल गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल्स ऑफ आइडियल गैस, तो भैया एक मोल की ये है तो एन मोल्स की क्या हो जाएगी, एन मल्टीप्लाइड बाई 3/2 RT. क्लियर, एन मल्टीप्लाइड बाई 3/2 RT. ठीक है, क्लियर नहीं, मैं सेंटी हो गया, मैंने कहा एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी चाहिए, मुझे एक मोल की नहीं चाहिए, ये किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी किसकी है, एक मोल की, ये किसकी है, एन मोल्स की. मैंने कहा मुझे एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो भैया ये कितने मॉलिक्यूल हो गए, एन मोल्स के हो गए, वो कितने मोल की है, एक मोल की. एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो. ये कितने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की. हमसे एक मॉलिक्यूल की पूछा, 3/2 RT डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर. बोलो सही है कि गलत है, सही लिख रहे हैं गलत, अपने दिमाग से सवाल करो यार. ये एक मोल की काइनेटिक एनर्जी, एक मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर, एनी मॉलिक्यूल्स, एनी मॉलिक्यूल्स की इतनी काइनेटिक एनर्जी, तो एक मॉलिक्यूल की कितनी डिवाइडेड बाई एन ए. आपको पता होगा R by Na बनता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या बनता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. R क्या होता है पता है ना सबको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. एक मोल की काइनेटिक एनर्जी, एक मोल मतलब एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स की, ये कितने मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, 6.022 की, तो एक मॉलिक्यूल की कितनी है, 6.022 से डिवाइड कर दिया, 10^23 से डिवाइड कर दिया. दिस विल बिकम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सो इट विल बिकम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल विल बिकम 3/2 KT, 3/2 KT. K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. धंधा लिख दिया क्या मैंने, कोई बात नहीं, फिर से बोलता हूं, बोल्ट्जमैन Z है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. क्लियर है, अब R की वैल्यू मैंने बता दी है आपको, ये यूज करो 8.314. K की वैल्यू क्या यूज करनी है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू यूज करोगे 1.38 × 10⁻²³ जूल पर केल्विन. क्या सर मेरे को ये याद रखना है, बेटर है अगर याद रखो तो, है ना भाई, भला होगा तेरा ही भाई, मेरा क्या जाता है कि नहीं, ठीक है ना, 1.38 × 10⁻²³ जूल पर केल्विन, दैट इज के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो यार यहां बोर्ड पे काफी कुछ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर है नोट कर लो, देखो स्क्रीनशॉट से मजा नहीं आता. जब भी मेरे वीडियो लेक्चर देखो, मैं तो हमेशा कहता हूं कॉपी पेन लेके बैठो. पहली इक्वेशन है काइनेटिक गैस इक्वेशन की, पीवी इज इक्वल्स टू 1/3 MNU RMS का स्क्वायर, m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, u RMS स्पीड है, रूट मीन स्क्वायर, p प्रेशर, v वॉल्यूम. दूसरी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ आइडियल गैस, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन याद रखो हमेशा, बाकी इसी से बन जाएंगी अपने आप, 3/2 RT. एक मोल की इतनी है तो n मोल्स में n से मल्टीप्लाई कर दिया. एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो, तो एक मॉलिक्यूल की कितनी, एवोगैड्रो से डिवाइड कर दिया, R by Na बन गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और यहां पे ये सारी कहानियां खत्म हो गई. अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बताता हूं जो शायद किताब में ना मिले. बेसिकली जो आपने ये डेरिवेशन की है ना भैया, ये सारी डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए ट्रू है. बाउंसर गया, समझ में नहीं आया, ये सारी की सारी डेरिवेशन ट्रू है मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए. पता नहीं आपने कोचिंग में पढ़ा कि नहीं किताब में, ये मतलब बहुत ढूंढोगे तब तुमको ये चीज समझ में आएगी.
ये हर तरह की गैस में वैलिड ही नहीं है, ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है गलत है यार, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक समझते हैं, हीलियम वगैरह जो अकेली रहती है, नियॉन वगैरह, एर्गन वगैरह, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे लगाओगे तो फेल कर जाएगा। फिर भी किताबों में, जेई में और नीट में इस पे सवाल आ रहे हैं, इसी फॉर्मूले से हम कर रहे हैं। बट जो रियलिटी है वो मैं आपको बता दूं कि ये मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए बेसिकली पूरा जो मॉडल है ना, ये मोनो एटॉमिक गैस का है, डायटॉमिक की बात ही नहीं हुई इसमें कहीं, ट्राइटॉमिक की, पॉलीएटॉमिक की। मैंने बता दिया आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए, कभी आप भी कंफ्यूज, एक दिन आएगा आप कंफ्यूज हो गए तो मेरी ये बात याद रखोगे, तारा बना के अपने दिमाग में लिख लेना ये। खैर एनीवेज, सो दिस वाज द इक्वेशन जो हमको यूज होगी काइनेटिक थ्योरी में, जिससे क्लियर होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ एनी आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली एंड ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। ये एन मोल्स के लिए, वो वन मोल के लिए, ये वन मॉलिक्यूल के लिए। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूं इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड, तो डालेंगे सवाल नंबर वन, और हर सवाल के लिए आप वीडियो को करेंगे पॉज और क्वेश्चन करेंगे खुद से सॉल्व। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर वन से, वीडियो को करेंगे पॉज, क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम ऑफ मिथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस पे 8 ग्राम मिथेन की काइनेटिक एनर्जी निकालिए। चलिए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भैया, एक मोल का फॉर्मूला है मेरे पास 3/2 RT, ना ना ना, एन मोल्स का क्या है, एन मोल्स का है एन इंटू छी एन इंटू 3/2 RT। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो काम बन जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था अपने पास, बोल भाई, मास अपॉन मोलर मास, हलवा सवाल है ये सब, इसमें कोई टेंशन नहीं। मास कितना है 8 अपॉन मिथेन का मोलर मास, मिथेन इज CH4, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, 12 4 16, तो कितने मोल हुए 0.5। क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, मास गिवन 8, मोलर मास 16, 12 4 16, 0.5 खत्म हो गया। 0.5 इंटू 3/2 इंटू आर की वैल्यू कौन सी लेनी है, 8.314 जूल्स वाली, और टेम्परेचर कितनी है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करोगे 300 केल्विन, एंड दिस इज द आंसर इन जूल्स। खत्म, टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है उसको केल्विन में चेंज करना है, 273 उसमें जोड़ लोगे, इतनी तुम इंफॉर्मेटिव हो गए हो। C+273 केल्विन में क्या होता है C+, तो C कितना है 27+273, दैट इज 300। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है पक्के से। चलो एक क्वेश्चन तुम करो, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस। हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस की एट 127 डिग्री सेल्सियस। ट्राई करेंगे भैया सब लोग, कर लिया। चलिए एक मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 3/2 KT, यही था एक मॉलिक्यूल के लिए 3/2 KT, तो 3/2 K की वैल्यू 1.38 × 10⁻²³ जूल्स के टर्म्स में, टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में चेंज करोगे तो 400 केल्विन, तो 400 आंसर किसमें आ गया, जूल्स। तो यार तुमसे एक मॉलिक्यूल के पूछे, मास दे के पूछे, मोल्स दे के पूछे, अब मैं बोलता फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 मोल्स ऑफ हीलियम, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 मोल्स ऑफ हीलियम, बड़ा क्लियर है, एन इंटू 3/2 RT, 3 मोल ले लेते हैं 3/2 RT से मल्टीप्लाई। क्लियर, एक मॉलिक्यूल की पूछी 3/2 KT, सीधा K की वैल्यू रखा, खेल खत्म, या नहीं आ रहा है तो एक मोल की निकाल लो, फिर उसको अगर गैटगो नंबर से डिवाइड कर लो, तुम नहीं के की वैल्यू, तुम हो आलसी नहीं याद करोगे, तो ठीक है एक मोल की निकाल लेना 3/2 RT, अगर गैटगो नंबर से डिवाइड कर लेना एक मॉलिक्यूल की आ जाएगी। क्लियर है, मैं बोलूँ 3 मोल ऑफ हीलियम कर लोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 मोल्स ऑफ हीलियम करिए जरा, 3 मोल्स ऑफ हीलियम क्या करेंगे, 3 × 3/2 × RT, ठीक है ना, आसान है ना एकदम, अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द, तेज तो नहीं हो रहा, हलवा टॉपिक है क्या तेज होगा, फाइंड द
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ आइडियल गैस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस बाय 50 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसको सॉल्व करिए, खुद से ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करके खुद से पॉज करेंगे, वीडियो को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे भाई सभी लोग। चलिए मैं करूं इसको, कर लिया ट्राई आपने, अपना आंसर लिख लीजिए। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ आइडियल गैस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस बाय 50 डिग्री सेल्सियस। तो यार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 3/2 RT, वन मोल ऑफ आइडियल गैस का यही फॉर्मूला है, 3/2 RT। मान लेते हैं ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो यार फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3/2 RT + 50 ले लो भाई, 50 डिग्री का फर्क बोला है। अगर डिग्री में 50 का फर्क है तो केल्विन में भी 50 होगा भाई, सेल्सियस में जितना टेम्परेचर बढ़ता घटता है उतना ही केल्विन में बढ़ता घटता है। अब मैं पूछूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, तो आप बोलो के फाइनल माइनस के इनिशियल, सो 3/2 R कॉमन हो जाएगा, T + 50 माइनस T, T से T मर जाएगा, 3/2 R × 50। R की वैल्यू यूज करोगे 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 50, और जो भी आएगा दैट विल बी द आंसर इन जूल्स, दैट वुड बी द आंसर इन जूल्स। क्लियर है, बढ़िया समझ में आ गया। चलिए तो यार इस तरह के आप क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे आपसे बोलेगा किस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी किसी और टेम्परेचर की हाफ हो गई, है ना? जैसे क्वेश्चन, चलो ट्राई करो, एट व्हाट टेम्परेचर, हल्के हल्के सवाल है, एट व्हाट टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो पॉज करके एक बार, एट व्हाट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट 127 डिग्री सेल्सियस। तो काइनेटिक एनर्जी एक बार निकाल लो 127 पे, कितनी होगी, 3/2 n मोल्स ले लो, n इंटू 3/2 इंटू आर इंटू टी, 127 मतलब 400 केल्विन, है ना, केल्विन में रखना है ना, 127 मतलब केल्विन कितना होगा, C+273, तो इसमें 273 ऐड करोगे 300 और 400। फिर बोला है किस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ होगी, एट व्हाट टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट 127, तो 127 की आधी होनी है, तो काइनेटिक एनर्जी एट 127 डिग्री सेल्सियस की हाफ हो जाए किसी टेम्परेचर टी पे, हमें पता नहीं, एन इंटू 3/2 इंटू आर इंटू टी, किसी टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 127 की आधी होगी, एन इंटू 3/2 इंटू आर इंटू 400/2, एन से एन मरा, आर से आर मरा, 3/2 से 3/2 मरा, टेम्परेचर आ गया 200 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना आ गया, 200 केल्विन, यहां से आंसर किस में आएगा, केल्विन में। सेल्सियस में निकालना है तो आप निकाल सकते हो, के इज इक्वल टू सी प्लस 273, तो के कितना है 200, सी प्लस 273, तो यहां से सी की वैल्यू आ गई -73 डिग्री सेल्सियस। देखो ये क्वेश्चन और इजीली आप कर सकते थे, कैसे, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पूछा किस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी, तो यार टेम्परेचर को हाफ कर दो, काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी, पर टेम्परेचर को केल्विन में लिखना, जैसे इसका केल्विन का टेम्परेचर कितना हुआ 400, तो 400 की जो काइनेटिक एनर्जी है, पूछा हाफ कब होगी, जब टेम्परेचर हाफ होगा, मतलब 200 पे, खत्म। हमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट लगाना है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो अगर टेम्परेचर को आधा कर दें तो काइनेटिक एनर्जी आधा, पर केल्विन में देखना इस चीज को, सेल्सियस में नहीं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं,
जो आपको खुद से लॉजिक लगा के करना है, मैं हिंट आपको दे दूंगा कैसे सॉल्व होगा, पर आंसर आपको खुद से निकालना है, ठीक है? ठीक है, ठीक है ना? हमसे बोला हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर की ईच साइड की जो लेंथ है वो ए है। अच्छा, इसके अंदर हीलियम गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ठीक है, हीलियम गैस के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर भरे हुए हैं। दे मेक 500 कोलिजन्स विद द वॉल इन ईच सेकेंड। एक सेकेंड में जो मॉलिक्यूल है वो किसी एक वॉल से 500 कोलिजन कर रहा है। कितने कोलिजन कर रहा है? 500 कोलिजन कर रहा है। हीलियम का हमें मोलर मास दे रखा है, मोलर मास है 4 ग्राम। कितने कोलिजन कर रहा है? 500 कोलिजन कर रहा है, ठीक है। हाउ मेनी कोलिजन्स? 500। ए की वैल्यू हमें दे रखी है, ए की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी है? 2 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ गैस। भैया अब सवाल बना है कंसेप्ट के अंदर से, अब लगा लो तुम इक्वेशन, के इज इक्वल टू 3/2 RT से सॉल्व कर लो इसको, कर लो इसको जिस तरह से कर सकते हो कर लो। अब k इज इक्वल टू 3/2 RT जो लगाना हो, PV इज इक्वल टू 1/3 mA, किसी से नहीं होना, हिलना भी नहीं है सवाल। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ गैस। चलो भाई करके दिखाओ ये क्वेश्चन, पॉज करो, ट्राई करो, अभी ट्राई करो, सबसे मस्त क्वेश्चन मिला है ये, पॉज करो अभी ट्राई करो। कुछ नहीं चल रहा दिमाग, लॉजिक ही नहीं लग रही, क्या करें इसमें। इसीलिए मैंने कहा था डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझो, 500 कोलिजन्स विद वॉल इन ईच सेकेंड, तो टाइम फॉर वन कोलिजन कितना हुआ भैया? एक सेकेंड में 500 कोलिजन, तो एक कोलिजन के लिए कितना टाइम? 1/500 सेकेंड्स। एक सेकेंड में 500 कोलिजन, तो एक कोलिजन कितनी देर में? 1/500 सेकेंड। एक कोलिजन का टाइम याद है? यहां से जाएगा इधर, पहले लड़ेगा, फिर ए इधर, ए इधर, याद आया? टाइम टेकन फॉर ईच कोलिजन, यहां लड़ा, यहां लड़ेगा, जाएगा इधर, फिर वापस आएगा, यही था टाइम टेकन फॉर वन कोलिजन। टाइम टेकन फॉर वन कोलिजन, याद करो, याद करो, याद करो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ए गया, ए लौटा, 2a, किस स्पीड से गया? u स्पीड से, जो उसकी स्पीड u थी, u rms, याद है? u rms, u rms से जाएगा, u rms से लौटेगा, सही है। टाइम टेकन फॉर वन कोलिजन, ए गया, ए लौटा, 2a, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी? u rms। यानी ये दोनों चीजें सेम होगी, टाइम टेकन फॉर वन कोलिजन टाइम, मतलब कहने का ये है कि 1/500 इज इक्वल टू 2a/urms। a की वैल्यू पुट कर दो 2 सेंटीमीटर, 1/500 इज इक्वल टू 2 × 2 cm, 10^-2, इसको ऐसा यूनिट में ले लिया, डिवाइडेड बाई urms। यहां से यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ urms, यहां से आपको urms मिल जाएगा। urms इज इक्वल टू 500 इधर गया, 2 × 4 × 500 × 10^-2, सही है। urms इज इक्वल टू ये इधर गया, 2 × 4 × 10^-2, ये डबल जीरो से डबल जीरो मर गए, 4×5 = 20 m/s, यू गेट urms। अब आपसे पूछा है टेम्परेचर ऑफ गैस, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, सवाल बढ़िया है, ध्यान से सुनो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 mu rms² एक मॉलिक्यूल के लिए लिख सकता हूं, एक मॉलिक्यूल का मास m, उसकी स्पीड मैंने मानी urms² लिख सकता हूं। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल मैं ये भी लिख रहा था 3/2 kT। दिमाग चल रहा है कि बैठ गया दिमाग पूरा? हमसे बोला इन्होंने कि एक सेकंड में 500 कोलिजन कर रहा, तो मैंने कहा एक कोलिजन कितनी देर में करेगा? मैंने कहा 1/500।
एक कोलिजन में लगता कितना टाइम है, ए गया ए लौटा, डिस्टेंस ट्रेवल टू ए, कितनी स्पीड से यू आर एम एस, ये दोनों टाइम सेम है, मैंने इक्वेट किया, ए की वैल्यू रख के मैंने यू आर एम एस निकाला। अब मैं आगे कहानी बता रहा, टेम्परेचर पूछा है ना सवाल में। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर एक मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी हाफ मास ऑफ मॉलिक्यूल स्पीड का स्क्वायर या 3/2 kT, मतलब ये दोनों चीजें सेम होंगी, खत्म कहानी यार, इक्वेट कर दो इसको, हाफ एम यू आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। 2 से 2 मर गया, k की वैल्यू हमें पता है, यू आर एम एस की वैल्यू पता है, m की वैल्यू भी हमें पता है। भाई हीलियम के एक मोल का मास कितना होता है, 4 ग्राम। एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम। मॉलिक्यूल का मास किसमें होता है, amu, 4 amu। व्हाट इज amu, 4 × 1.67 × 10⁻²⁷ kg, ये होता है 1 amu। 1 amu यही होता है ना, 1.67 × 10⁻²⁷ kg, दैट्स वे यू गेट द वैल्यू ऑफ m आल्सो। m पता है, यू आर एम एस पता है, k पता है, k की वैल्यू कितनी होती है, 1.38 × 10⁻²³ जूल पर केल्विन, SI यूनिट में। सो यू नो द वैल्यू ऑफ k, यू नो द वैल्यू ऑफ यू आर एम एस, आपको हीलियम के एक मॉलिक्यूल के मास पता है, 4 amu, 4 × 1.5, बहुत बढ़िया। आपको टेम्परेचर निकालना है, नाउ यू कैन वर्क आउट द इक्वेशन। तो ये था भैया मेरे हिसाब से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, और ये लास्ट सवाल जो कि अगर आपने डेरिवेशन नहीं की होती तो आपको समझ में नहीं आता। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और इसका आंसर कमेंट जरूर करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।